दोस्तों सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियां आते ही सभी में कॉमन समस्या हो जाती है सर्दी जुखाम खांसी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा बेहतरीन देसी नुस्खा बताने वाले हैं जिससे कि आपको पहली ही खुराक से सर्दी जुखाम खांसी, गले में खराश, गले में सूजन या फिर फेफड़ों में बलगम जमा होने जैसी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी तथा आजकल साथ ही सर्दी जुखाम होने पर सरदर्द जैसी बीमारी अब कॉमन हो चुकी है जिसमें कि आप अंग्रेजी दवाइयां ले लेते हैं और दवाइयां आपके रोग को दबा देती हैं बजाय उन्हें जड़ से ख़त्म करने के। और यही कारण हो रहा है कि आजकल अंग्रेजी दवाइयां लेने पर सर्दी जुखाम खांसी तो चले जाते हैं किंतु सरदर्द की समस्या छोड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इन सभी बीमारियों से निजात पाने का एक रामबाण नुस्खा बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं और दोस्तों नॉलेज बनाती है आपको और भी स्मार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अजवाइन ले लेनी है। अजवाइन के अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। साथ ही अजवाइन को पेट की समस्याओं में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आपको आधा चम्मच से भी कम अजवाइन ले लेनी है। साथ ही आपको 4 से 5 काली मिर्च ले लेनी है। साथ ही 2 लौंग ले लेनी है और 1 इलायची ले लेनी है और 2 से 3 पत्ती तुलसी की ले लेनी है। साथ ही छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लेना है और छोटा सा ही टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। इसके बाद आपको 2 कप पानी ले लेना है और उस पानी को उबलने के लिए रख देना है। जब पानी में उबाल आए तो जो सभी चीज़ें अभी आपको बताई गई हैं उन्हें पानी के अंदर डाल देना है। अब इस पानी को तब तक उबलने देना है जब तक 2 कप पानी 1 कप पानी में न बदल जाए। ये हमने एक व्यक्ति को एक बार के लिए ही काढ़ा तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि 2 या 3 व्यक्तियों का काढ़ा बनाना है तो आपको यही चीज़ें 2 से 3 गुना कर देनी है। उबलकर जब आपका काढ़ा 2 कप से 1 कप हो जाए तो इसको छानकर चाय की तरह रात में सोते समय पी लेना है। साथ ही आप दिन में 2 या 3 बार भाप अवश्य लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखना आपके सर्दी जुखाम खांसी जैसी समस्या 2 से 3 दिन के बाद जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं जानकारी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।